family, welcome back to my channel Mansi Loves Fashion. So guys, आज का वीडियो होने वाला है Amazon साड़ी हॉल, जिसमें मैंने 5 साड़ियाँ पिक करी हैं Amazon से. काफी खूबसूरत साड़ियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा, जिनको मैंने स्टाइल भी किया है. मैं आपको सबकी स्टाइलिंग वीडियोस भी दिखाऊंगी, सबका स्टाइलिंग आइडियाज भी दूंगी. और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो वहाँ पे उन्हीं साड़ियों के बहुत सारे स्टाइलिंग आइडियाज आपको मिल जाएंगे. तो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बगल में वाले बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले. तो गाइस, अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करूंगी गाइस इस बहुत ही ज्यादा प्यारी सी साड़ी की. तो गाइज, ये आपको मिल जाती है जॉर्जेट में. सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसके जॉर्जेट की क्वालिटी. तो गाइज, क्वालिटी इस जॉर्जेट की बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है. नॉर्मल जॉर्जेट दुपट्टा वगैरह या साड़ी वगैरह जो हम यूज करते थे, उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है. जैसे मलमल का कपड़ा होता है, बहुत ज्यादा ठंडाता है, सॉफ्ट करता है, उस तरीके का कपड़ा है. एकदम सॉफ्ट प्रीमियम वाला इसका जॉर्जेट कपड़ा है. आपको इसमें मिल जाती है इस तरीके की पर्ल की डिटेलिंग, लेस मिल जाती है पूरे साड़ी में मिलती है. आपको बात करूं इसके ब्लाउज की, तो आपको ब्लाउज सेम मिलता है, बिल्कुल भी ब्लाउज में डिफरेंस नहीं है. आपको ब्लाउज इसी कपड़े का मिलता है ऑल ओवर, जो ये साड़ी है इसी में का आपको ब्लाउज मिल जाता है. जिस तरीके का प्रिंट आपको मिलता है ब्लाउज पे, छोटे छोटे से फ्लावर्स बने होते हैं. ये पूरी साड़ी जो है वो इसी तरीके की बनी है, आप देख सकते हो पूरी साड़ी में आपके बड़े बड़े से फ्लावर्स बने हुए हैं. बात करूं इसके प्राइस की गाइस, तो ये मुझे मिली है 1063 रुपीज की. और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आप सारे कलर चेकआउट कर सकते हो. ग्रीन है, रेड है, और बहुत सारे क्रीम है, पिंक, बहुत सारे कलर्स इसमें अवेलेबल है. तो गाइस, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो. नेक्स्ट बात करते हैं गाइस इस ऑर्गेंजा साड़ी की. तो आई लव द ऑर्गेंजा साड़ी. वैसे ऑर्गेंजा साड़ी मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम है, एक दो साड़ियां ही है, बट इस साड़ी को बाय करने के बाद सच में मुझे ऑर्गेंजा फैब्रिक से प्यार हो गया है. इतनी ज्यादा खूबसूरत साड़ी है ये. सी दिस बॉर्डर गाइस, इतना ब्यूटीफुल बॉर्डर इसमें लगा हुआ है. आप देख सकते हो सिल्वर कलर का ये बॉर्डर है, इसमें ब्लैक और सिल्वर का वर्क है. साथ ही इसमें इस तरीके के पर्ल भी लगे हुए हैं, सिल्वर कलर के पर्ल इसमें लगे हुए हैं. ये चीज चिपकी नहीं है, इसमें प्रॉपर स्टिच हुई है. मीन्स इजिली निकलने नहीं वाली, जब तक आप इसके साथ जबरदस्ती की लड़ाई नहीं करते हो. तो ये साड़ी आपको ऑल ओवर इसी तरीके की फ्लोर प्रिंट में मिल जाती है. पूरी साड़ी में इस तरीके से फ्लावर्स बने हुए हैं, पूरी साड़ी एक जैसी ही आपको मिल जाती है. और इसकी एक खासियत मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी. जैसे मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है, जब हम साड़ी यहाँ से पहनते हैं और इसको जब कमर पे पीछे से यहाँ पे लेके आते हैं, तो कमर से हमें यहाँ पे एक स्ट्रैप चाहिए होती है कि कमर से जो है ये हमारा लेस जो है वो यहाँ से प्रॉपर आए. कभी कभी क्या होता है वो लेस छोटी होती है, बट इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है. आपको इवन लेस जो मैं आपको बता दूं, इतनी लेस आपको अंदर दबानी पड़ेगी, इतनी एक्स्ट्रा लेस आपको मिल रही है अपर साइड पे, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है कि आप इजिली अच्छे से जितना भी बड़ा पल्ला लेना चाहते हो आप इसमें ले सकते हो. बात करूं इसके ब्लाउज पीस की, तो गाइस इसमें ब्लाउज पीस आपको मिल जाती है ये ब्यूटीफुल सी सीक्वेंस कपड़े की ब्लाउज पीस आपको मिल जाती है. लाइक आप देख सकते हो कितना प्यारा फैब्रिक है, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है जिसमें आपको छोटे छोटे सीक्वेंस लगे हैं. क्या होता है कि बड़े सीक्वेंस कभी अच्छे लगते नहीं है, मुझे भी एक्चुअली पसंद नहीं है बड़े सीक्वेंस, बट इसमें बहुत छोटे छोटे से सीक्वेंस लगे हैं. सी दिस, तो ये काफी ज्यादा खूबसूरत सा फैब्रिक है. इसका अपने अकॉर्डिंग आप इसका ब्लाउज बनवा सकते हो. बात करें इसमें लेंथ की, तो इसमें प्रॉपर आपको 5.5 मीटर की लेंथ मिल जाती है. अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो गाइस ये मुझे मिली है 1180 रुपए की. अकॉर्डिंग टू प्राइस ये एकदम वर्थ बाइंग है. इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है. मोस्टली क्या होता है ऑर्गेंजा फैब्रिक बहुत ज्यादा फूलता है, बहुत ज्यादा फैलता है, वो बिल्कुल भी हाथ नहीं आता. लेकिन ये साड़ी की प्लीट्स इतनी इजिली बन गई कि मुझे बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, इजिली बन गई. बस मैंने इसको एक बार आयरन करा था साड़ी को, और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा. तो काफी ज्यादा इजिली इसका ऑर्गेंजा फैब्रिक जो है इजिली प्लीट इसमें बन गई थी. इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, बहुत येल्लो है, पिंक है, ग्रीन है, और बेज कलर है, और बहुत सारे ऐसे कलर्स आपको मिल जाते हैं. ग्रे मैंने आपको दिखा ही दिया, इस तरीके बहुत सारे कलर्स हैं. मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो. नेक्स्ट साड़ी है गाइस ये ब्यूटीफुल सी प्रीमियम जॉर्जेट साड़ी, जिसका जॉर्जेट फैब्रिक जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्लास का है. काफी अच्छा फैब्रिक आपको इसमें मिल जाता है, बहुत ही सॉफ्ट जॉर्जेट है ये, एकदम ठंडा करने वाला वैसा फैब्रिक है इसका. इसकी खासियत आपको मैं पहले सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये लेस आप देख रहे हो गाइस,
वाओ सुपर लेस आपको इसमें मिल जाती है। यदि आप इसे पहनते हो ना इतना सुंदर लगता है। इसमें भी एक क्वालिटी वो बहुत अच्छी है जो मैंने आपको पिछली साड़ी में बताया कि इसमें भी आपको इतना फैब्रिक अंदर डालना पड़ेगा, सॉरी इतनी लेस आपको कमर के पास से अंदर प्लीट में डालनी पड़ेगी, इतनी एक्स्ट्रा लेस इसमें आपको मिल जाती है। ये काफी ज्यादा लंबी लेस इसमें मिलती है, ये पूरी 5.5 मीटर की आपको साड़ी मिल जाती है। आपको साड़ी बात करूं तो आपको ये साड़ी पूरे में आपको इसी तरीके फ्लावर प्रिंट मिलते हैं, पूरे में आपको इस तरीके के फ्लावर प्रिंट मिलते हैं। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपना कलर चूज कर सकते हो, बट मैं आपको कहूंगी ये कलर इसका बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, बहुत ज्यादा रिच लुक देता है। इसके साथ आप बहुत सारे कलर के टॉप क्रॉप टॉप ब्लाउज वियर कर सकते हो, जो भी आप चाहो इसमें जितने भी कलर्स अवेलेबल हैं इनमें से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो। बात करें इसके प्राइस की गाइस, तो ये मुझे मिली है 9 to 9 rupees की अकॉर्डिंग टू प्राइस। ये बहुत ही ज्यादा वर्थ बाइंग है, आपको डेफिनेटली इसे चेकआउट करना चाहिए। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, ब्लू येलो ग्रीन रेड बहुत सारे कलर्स हैं। बात करें ब्लाउज की तो गाइस इसमें भी आपको यही सीक्वेंस वाला ब्लाउज मिल जाता है, प्रॉपर जॉर्जेट का ब्लाउज है ये, जिसमें आपको छोटे छोटे सीक्वेंस लगे हुए हैं। आप देख सकते हो इस तरीके के छोटे छोटे सीक्वेंस इसमें लगे हुए हैं और ये काफी ज्यादा खूबसूरत सा फैब्रिक है जिससे आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग अपना ब्लाउज बनवा सकते हो। अब बात करती हूँ गाइज नेक्स्ट अगेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक साड़ी की, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फैब्रिक है ऑर्गेन्जा का। इसको भी मुझे स्टाइल करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, नॉर्मली ऑर्गेन्जा फैब्रिक की साड़ी बिल्कुल स्टाइल नहीं हो पाती है, बहुत ज्यादा भागती है साड़ी और इजिली उसकी प्लीट नहीं बन पाती है, बट इस साड़ी की प्लीट इतनी ईजिली बन गई थी कि मुझे सिर्फ एक बार आयरन करना था साड़ी को, एक बार आयरन किया मैंने, उसके बाद मुझे इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हाथों से ही इसकी प्लीट ईजिली बन गई। देन बात कर लेते हैं, अभी आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरीके की ये साड़ी है। तो आपको सबसे पहले साड़ी में इस तरीके के पिंक कलर की आपको पर्ल वाली लेस मिल जाती है, ये आपको पूरे साड़ी में मिलती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस साड़ी की खूबसूरती गाइस, ये देख सकते हो फ्लावर जो बना हुआ है ना, फ्लावर के साइड में आपको इस तरीके के जो ग्लास वाले मोती होते हैं ना छोटे वाले, वो मोती लगे हुए हैं इसमें, इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना ये। और बीच में आपको पर्ल भी दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से पर्ल लगा हुआ है, ये आपको वर्क पूरी साड़ी में मिल जाता है। ये देख सकते हो आप, इसमें भी मोती लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भी लगी हुई है। तो ये वर्क जो है आपको गाइस पूरे साड़ी में मिलने वाला है, पूरे फ्लावर्स आपके इस तरीके से मोती से कवर्ड हैं। काफी ज्यादा खूबसूरत सी साड़ी है, पूरी फ्लावर प्रिंट की ऑल ओवर एक जैसी साड़ी है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बात करें इसके लेस की, लेस क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। बात करें गाइस इसके प्राइस की, तो ये मुझे मिली है 1289 rupees की, जिसके अकॉर्डिंग ये मुझे कम्प्लीटली वर्थ बाइंग लगती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऑर्गेन्जा साड़ी देखी है बट इस तरीके का वर्क मैंने नहीं देखा जिसमें फ्लावर के ऊपर इस तरीके से मिला हो और वो इतनी सस्ती मिल रही हो ओनली 1200 rupees की। तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे ये साड़ी, ऑर्गेन्जा फैब्रिक की जो साड़ियां होती वैसे ही काफी कॉस्टली आती है। आपको मैं दिखाती हूँ इसका ब्लाउज कैसा है, तो आपको ब्लाउज मिल जाता है कुछ इस तरीके का, देख सकते हो आप, प्रॉपर 80 cm का ब्लाउज मिल जाता है। साड़ी भी आपको पूरी 5.5 मीटर की मिलती है, इस तरीके की लेस जो आपकी साड़ी में लगी हुई है उसी तरीके की लेस आपको ब्लाउज में भी लगी हुई मिल जाती है। ये नेवी ब्लू कलर का आपको इसके साथ ब्लाउज मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे बनवा सकते हो, चाहो तो आप पिंक कलर के किसी क्रॉप टॉप वगैरह की तरह भी स्टाइल कर सकते हो जैसे मैंने किया है, उस तरीके से आप भी इसे पहन सकते हो। तो काफी ज्यादा अच्छी है और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो जो भी कलर्स आपको पसंद हो वो आप चेकआउट कर सकते हो, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसे चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट साड़ी है गाइज ये ब्यूटीफुल सी 2 shades में, इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग कलर हैं इसमें। मुझे चूज करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी बट यू नो दैट गाइज कि ब्लू इज माई फेवरेट कलर, तो मैंने ये नेवी ब्लू कलर चूज किया। देख सकते हो मैंने इसे कैसे स्टाइल किया है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये साड़ी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सबसे पहली चीज़ इसका जो फैब्रिक है वो बैंगलोरी सिल्क के नाम से आता है फैब्रिक, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ईजिली है पहनने में, आपको इसे कभी आयरन नहीं करना। और सबसे अच्छी चीज़ इन सभी साड़ियों की जो मुझे लगी है, ये मैं आपको बताना भूल गई कि आपको ये सभी साड़ियाँ जो है ना ये अंदर से इस तरीके से आपको सिलाई की हुई मिलती हैं कि आपको अंदर के साइड से ना इन्हें पीको नहीं कराना या फिर रफ जो तुरपाई वगैरह होती है वो नहीं कराना पड़ेगा, अंदर से ये पहले से ही स्टिच होके आती हैं, तो अंदर के साइड आपको धागा वागा निकलने की कोई टेंशन ही नहीं है। ये चीज़ मैंने पहली बार साड़ियों में देखी है कि इस तरीके की चीज़
हमें मिल रही है कि हमें अंदर से इसे सही नहीं कराना, ये ऑलरेडी यहाँ पे हमें एक सिलाई मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके की ये साड़ी टू शेड में है, ऑल ओवर साड़ी पूरी एक जैसी है। इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसकी जो ये आपको देख रहे हो ये लेस जो है, ये पर्ल लेस आपको इसमें मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी लेस लगी हुई है जो इसकी सिंप्लिसिटी में एक चांद लगा देती है। बात करूँ इसके प्राइस की गाइस, तो इसका प्राइस है 823 रुपीज़। बहुत ही ज़्यादा सस्ती साड़ी है ये, अकॉर्डिंग टू इसकी जो ग्रेस है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा सस्ती साड़ी है ये। और आपको ये इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ, तो ब्लाउज आपको मिल जाता है नेवी ब्लू कलर का, और इसमें आपको लेस मिल जाती है इस तरीके से, सेम लेस आपको लगी हुई मिल जाती है जिसको आप अपनी स्लीव पे या फिर अपने ब्लाउज के नेक डिज़ाइन पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इसका ब्लाउज़ का फैब्रिक भी काफ़ी इनफ फैब्रिक आपको इसमें मिल जाता है, आपको बिल्कुल ब्लाउज पीस में भी कमी नहीं है। और आपको ये जो साड़ी मिलती है प्रॉपर 5.5 मीटर की साड़ी मिलती है। ये टू शेड्स इसके इतने ज़्यादा प्यारे हैं ना, इनका कलर कंट्रास्ट इतना ज़्यादा अच्छा है कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं गाइज, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये 5ों साड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। और यदि आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक की साड़ी देख रहे हो तो डेफिनेटली इनको ज़रूर देखना, इनका जो फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। तो गाइज ये रहा मेरा आज का साड़ी हॉल, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरी रिकमेंडेशंस और भी जो होंगी साड़ियों को लेके, वो सारी साड़ियां मैं आपको नीचे लिस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको अपने पसंद की कोई ना कोई साड़ी जरूर मिली होगी। तो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई, और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मिलेंगे आपको इन्हीं साड़ी के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग आइडियाज। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं गाइस किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।